को देखने के लिए आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सामने आ रही है, पुलिस पूरी एक्शन में है और जिस तरह से हत्यारों ने हर्षराज की हत्या की है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सड़क पर आगजनी की घटनाएं और हाथों को उठाकर छात्रों ने नारे भी बुलंद किए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरह की झड़प की तस्वीर आ रही है जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। तो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग है। कारगिल चौक पर जबरदस्त हंगामा देख सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़ गए। गौतम बताइए, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन जो ये मामला है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज कैंपस में हत्या का मामला है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी घटना कल हो गई थी। कल दिन दहाड़े एक युवक की हत्या पीट पीट कर जो कर दी गई थी, उसके बाद पटना पुलिस को एक बड़ी चैलेंज ये था कि इस मामले का उद्भेदन करना, और 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन करके जो है इस मामले का उद्भेदन किया गया है और इसमें जो आरोपी है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी जो है जो लाइजनर का काम कर रहा था चंदन यादव, और जो पुलिस ने किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ये मामला जो विवाद जो जुड़ा है ईगो का जो है ये प्रॉब्लम था और लड़ाई जो हुई थी पिछले साल डांडिया नाइट्स में कुछ विवाद हुआ था जिस कारण से जो है ये विवाद जो है अभी तक चलता आ रहा था। और देखिए, एक साल के अंदर तक जो है ये मामले को ले जाकर हत्या करना और पूरा ये लाइजनिंग के साथ, यानी कहा जो है हर्ष एग्जाम देने जा रहा है, कब वो अकेले रहेगा क्योंकि पटना विश्वविद्यालय से वो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था तो उसकी भी सक्रियता जो है राजनीति स्तर पर रहने से जो है छात्रों की अच्छी खासी संख्या उसके साथ रहती थी, तो ये जो है उसको अकेला पाकर जब परीक्षा देने के लिए जब वो कल गया हुआ था वहां पर उसे असामाजिक तत्वों के एक बड़े जुटान के साथ जो है उसे वहां पीटा गया है। लाठी डंडे से लगातार उसे पिटाई की गई है, 10 मिनट करीब जो है उसे पीटा गया है जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। और इस पूरे मामले में जो है जली पत्थर कारगिल चुकी हुई, इसके बाद जो है पुलिस ने वहां पर छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया है और जो वहां पे थोड़ी सी हथियार भी चलाई गई, मगर जिससे जो ये प्रश्न रहा था छात्रों की यही मांग थी कि जो भी आरोपी हैं वो आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाए और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द पटना पुलिस गिरफ्तारी करे। पटना के सीपीएसपी ईस्ट की तरफ से ये इस मामले का उद्भेदन किया गया, 24 घंटे के भीतर ये एक छात्र को कॉलेज कैंपस में एक भीड़ आकर मार देती है, उसमें से कुछ जो गुंडा तत्व हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की पुलिस से मांग हो रही है और सड़क पर जबरदस्त आगजनी और उसी बीच पुलिस का लाठी चार्ज भी दिखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम आपका शुक्रिया। और हम निहत्ता था बेचारा, निहत्ता पे हमला करके उसको मौत के घाट उतारा गया, हम मारते मारते उसको मार दिया गया। बताइए कहाँ तक सही है? विश्वविद्यालय में कैमरा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को बार बार ऐसे मतलब होते रहता है, हमेशा होते रहता है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को, प्रोक्टर को, बीसी को, सर कुछ व्यवस्था कराइए, पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, तो पुलिस प्रोटेक्शन छात्रों को केस करने के लिए दे दीजिएगा, छात्रों को जेल भिजवा दीजिएगा, छात्रों को जान बचाने के लिए नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। ऐसे कल साथी हर्ष की हत्या मार मार करके लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई है, ये पटना विश्वविद्यालय, ये प्रशासन, ये बीसी, ये सरकार के ऊपर काला धब्बा है, ये काला अध्याय है। हम लोग आज शांति मार्च पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक तक आए हैं। हमारी मांग है कि दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कठोर कानूनी कार्रवाई हो जो भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मृतक छात्र हर्ष उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनकी शिकायत पटना विश्वविद्यालय प्रशासन, इनकी शिकायत बिहार सरकार से है और इन्होंने आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज पटना।